हाय फ्रेंड, आज गाड़ी हमारे पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल 2012 का मॉडल है। ये गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन है कि मीटर का लाइट है, कभी कभी गायब हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है ना, वो डायड है। इंडिकेटर देता है, चलता है, लेकिन बंद होने के बाद भी दिखाता है। तो मैंने ये मीटर के ऊपर पिछली बार भी वीडियो बनाया था, लेकिन वो मीटर ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम था। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम अलग है, आप देख सकते हो। और ये कस्टमर का कंप्लेन है कि कभी कभी ऐसे इग्निशन ऑन करता ना तो सिर्फ बैटरी की लाइट आती है, और वो भी डिम आती है, और कोई भी लाइट नहीं आती है। यहाँ पे मैंने फ्यूज़ वगैरह सब चेक किया है, पीसीएम वगैरह सब चेक किया हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम मिला नहीं है। तो मेरे को तो इसका मीटर का फॉल्ट लग रहा है, देख सकते हो आप। राइट का इंडिकेटर दिया तो राइट का तो प्रॉपर है, लेकिन बंद करने के बाद भी यहाँ पर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लग रहा है, लेकिन बाहर शो नहीं हो रहा है, सिर्फ मीटर पे शो हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे चाबी बंद करता हूँ, चाबी निकालने के बाद भी देख सकते हैं आप लोग शो कर रहा है। राइट साइड का हैजर्ड लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो। बंद करने के बाद भी ये लाइट जल रहा है। तो ऐसे में गाड़ी कस्टमर ने कंप्लेन दिया है कि मेरी बैटरी डाउन हो जाती है बार बार, तो ये लाइट डायरेक्ट रहेगा तो हमारी बैटरी डाउन होएगी, 4 से 5 दिन में बैटरी डाउन हो जाएगी गाड़ी की। तो एक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मैं मीटर खोल लेता हूँ और देखते हैं मीटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। एक बार गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ, स्टार्ट होने के बाद भी रहते हो, देख सकते हो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर डायरेक्ट है यहाँ पर। और क्लस्टर मीटर के भी लाइट गायब हो जाते हैं बोलते कभी कभी, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देख सकते हो बैटरी की लाइट आके गई अभी, ये देख सकते हो, ये देखो ब्लिंक कर रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। ये हमारा डोर का लाइट है, उसके जस्ट बाजू में बैटरी का लाइट आता है, देखो ये देख सकते हो आप लोग, लाइट ब्लिंक कर रहा है कभी कभी। और कभी कभी है कि पूरा ही गायब हो जाता है, वो सिर्फ गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन मीटर पर कोई भी लाइट शो नहीं करती है, सिर्फ डोर की लाइट आती है, और वो भी इंडिकेटर की लाइट भी डायरेक्ट है हमारा। लेकिन अभी तो आ रहा है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम मीटर में है अभी भी, देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड का इंडिकेटर डायरेक्ट है। तो मीटर को खोलता हूँ और रिपेयर करते हैं, देखते हैं रिपेयर होता है क्या, नहीं तो फिर एक्सचेंज करेंगे उसको। यहाँ पर देख सकते हो मैंने मीटर खोल दिया है, खोल के बाहर निकाल लिया है, जिसका मीटर है ये लोकेशन है। तो हम लोग इसको एक बार खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, बनता है क्या दूसरा डालना पड़ेगा उसके हिसाब से। 90% तो बन जाता है, मैंने तो हमेशा बना के ही डाला है सभी गाड़ियों में भी, अपना वैगनर में रिट्स में भी यही सब प्रॉब्लम आता है। तो इसको भी एक बार बना के देखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया है मीटर ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम था, स्विफ्ट 2015 का मॉडल था। तो इसको भी एक बार हम लोग बना के देखते। तो ये देख सकते हो हमारा मीटर है, यहाँ पे हमने इसको रिपेयर कर दिया है, अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये देख सकते हो इसका मीटर का ही प्रॉब्लम था, हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है इसका। तो अब इसको टेबल पे फिटिंग करके देखते हैं, ऑन टेबल चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये देख सकते हो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, यहाँ पे इंडिकेटर का लाइट डायरेक्ट था वो भी बंद हो गया है। अभी हम लोग इसको एक बार गाड़ी में फिटिंग करके देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो फाइनली मीटर हमने यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हो गाड़ी में लगाया मैंने, यहाँ पे जो इंडिकेटर का लाइट डायरेक्ट था वो हमारा बंद हो गया है, देख सकते हो। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता आपको, गाड़ी स्टार्ट किया मैंने, जो चेक लाइट है इसका तो दूसरा प्रॉब्लम है, वो आपको बताऊँगा मैं बाद में। लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम था वो क्लस्टर मीटर का था, आप ये देख सकते हो इंडिकेटर लाइट प्रॉपर हो गया है, देख सकते हो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब मीटर का ही फॉल्ट था। हम लोगों ने मीटर बना के लगाया है, और ये मीटर बन भी जाते हैं 90%, रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है, देख सकते हो। आपको फिर से दिखाता हूँ, फाइनली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।